नमस्कार अजस्टो मणि गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजस्टो मणि गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 25 अक्टूबर, बार है शुक्रवार। शो में हम बात करेंगे गेहूं के बारे में। जहां पर फ्लोर मिलों की मांग सीमित होने की वजह से शुक्रवार को दिल्ली में गेहूँ की कीमतें स्थिर हो गई हैं। सरकार केंद्रीय पूल से गेहूँ के भारत आटे की बिक्री के लिए 30 रुपये प्रति किलो की दर से करेगी। केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं का MSP 150 रुपये बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। रबी विपणन सीजन 2024-25 में गेहूं का MSP 2275 रुपये प्रति क्विंटल है। लॉरेंस रोड पर राजस्थान के उत्तर प्रदेश के गेहूं के दाम 3060 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए हैं। वहीं इसी दौरान मध्य प्रदेश व राजस्थान के गेहूँ के दाम 3060 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए हैं। केंद्र सरकार ने गेहूं पर तत्काल प्रभाव से स्टॉक लिमिट लगाई हुई है जो कि 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। वहीं चालू विपणन सीजन 2024-25 में प्रमुख उत्पादक राज्यों से 266 लाख टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर हुई जो कि पिछले रबी विपणन सीजन 2023-24 में 262 लाख टन खरीद किए गए गेहूँ से ज़्यादा है। वहीं खपत का सीजन होने की वजह से गेहूं उत्पादों में मांग बनी रहेगी। गेहूं की दैनिक आवक 7000 बोरियों की हुई है जबकि पिछले कारोबारी दिवस में आवक 7500 बोरियों की हुई थी। दोस्तों अजस्टो मणि गुरु 42 कम्युनिटीज़ में काम करके पूर्ण विशेषण के साथ आपको जानकारी देते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।